अक्षय कुमार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म रोबोट 2.0 को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक इसका ट्रेलर या टीजर आने वाला था 27 अप्रैल को फिल्म काला के साथ में, लेकिन इसकी किस्मत तो देखिए, अब फिल्म काला की ही रिलीज डेट अब बदल दी गई है। आपको बता दें, रजनीकांत की ये बड़ी फिल्म काला भी अब 27 अप्रैल को रिलीज नहीं होने वाली है, बल्कि सलमान की फिल्म रेस 3 के साथ में 15 जून को रिलीज होने वाली है। इसका बड़ा फायदा अब सलमान खान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 27 अप्रैल को पहले खबर थी कि 2.0 का फर्स्ट लुक या फिर टीजर हमें देखने को मिल सकता है, वो भी रजनीकांत की काला के साथ में, लेकिन हुआ इसका पूरा उलटफेर ही। अब ना तो काला आ रही है, ना ही 2.0 का कोई टीजर। अब आ रहा है 27 अप्रैल को इन्फिनिटी वॉर के साथ में रेस 3 का ट्रेलर, यानी कि ये है रजनीकांत और अक्षय कुमार को बहुत बड़ा झटका। और यहाँ पर सलमान खान रेस 3 की तैयारी अब पूरी कर चुके हैं और अब वो आने वाला है अपना ट्रेलर के साथ 27 अप्रैल को। लेकिन रेस 3 की यहाँ भिड़ंत होगी रजनीकांत की काला के साथ 15 जून को थिएटर में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेस 3 यहाँ पर बाजी मार जाएगी या नहीं, या फिर 2.0 रिलीज होने के बाद में रेस 3 के सारे कयासों को तोड़ देगी? कमेंट में जवाब दें, सब्सक्राइब करें। देखो देखो।